अरे कहना क्या चाहते हो? हाय गाइस, मैं हूं अजय कंपोच और आज बात करूंगा पांच ऐसी गलतियों के बारे में जो आप कॉमनली कर रहे हो या आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो पांच ऐसी चीजें जो आपके फ्रेंचाइजी बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे होते हैं। उन्हीं पांच गलतियों के बारे में बात करूंगा, समराइज करने की कोशिश करूंगा, वीडियो को जितना छोटा रख सकता हूं उतना रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो बात करता हूं वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, अगर हम सिंपल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं तो किसी काम को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल यहां पे लेके चलता हूं। आपने कहीं से आप ऑर्डर कलेक्ट करते हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वहां से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कराते हो, केमिस्ट से ऑर्डर लेके आते हो, तो आप उसको कैसे प्रोसेस करते हो, कितना टाइम पीरियड में आप उसको डिलीवरी देनी होती है, कैसे आप आते ही ऑर्डर के साथ क्या करोगे, या आते ही आप ऑर्डर को भूल जाओगे, या फिर आपको जब याद आएगा, या कस्टमर ने जब आपको फोन किया तब आपको याद आता है यार आपने ऑर्डर डिस्पैच करना है या वो करना है। अगर आप उसको एक रिटर्न फॉर्म में लेके चले कि जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा उसको आपने कितने टाइम में प्रोसेस करना है, फिर कब उसको पैकिंग करनी है और कितने टाइम शेड्यूल में आपको उसको डिलीवर करना है, थोड़ा सा अकड़ लगेगा आपको शुरू शुरू में, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा स्टार्टिंग में जब आप किसी चीज को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में डालेंगे। लेकिन जब आप उसको सही तरीके से डालेंगे तो लॉन्ग रन में वो बहुत ज्यादा आपका टाइम बचाएगा और आपकी सर्विस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। तो आपके पास हर चीज का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। अपने ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करना है, आप डॉक्टर को कैसे कॉल करना है, क्या आपकी टीम स्कीम स्ट्रक्चर रहेगी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आ सकती है। तो हर चीज का, हर स्टेप का, आपके परचेज ऑर्डर से लेके आपकी डिलीवरी तक, आपके पेमेंट कलेक्शन तक, हर चीज का आपके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या मेरे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है? वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है। सेकंड नंबर पे बात करता हूं लैक ऑफ टाइम शेड्यूल। जब आप जॉब कर रहे होते हो आपका हर टाइम फिक्स होता है, आपको इतने बजे अपनी जॉब स्टार्ट करनी है, इतने दिन आपको वर्किंग करनी है, इतने डॉक्टर से आपको मिलना है, उसके बाद आपको इस टाइम तक आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो सब कुछ फिक्स होता है। लेकिन जब आप अपने काम में होते हो तो आपका कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जब तक आपके पास टाइम शेड्यूल नहीं होगा, आपके पास मंथली प्लानिंग नहीं होगी कि किस किस दिन आपको किस किस एरिया में किस किस डॉक्टर से मिलना है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। होंगे भी तो आप बस ऐसे वैसे ही चलते रहोगे, आप ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। और ये सबसे बड़ी गलती रहती है, छोटी सी चीज होती है। आप एक एमएनसी कंपनी का प्लान कॉपी कर सकते हो, उनका शेड्यूल क्या रहता है उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हो, आपको दिन में कितने डॉक्टर से मिलना है, कितने केमिस्ट से मिलना है, कितने ऑर्डर को डिस्पेंस करना है, कितने ऑर्डर्स को आपको आज लेना है, किस किस से कैसे कैसे किस किस टाइम के शेड्यूल में क्या करना है, वो आपका सब कुछ फिक्स होना चाहिए। मैं ऑलवेज कितने बजे आता हूं। थर्ड नंबर पर अगर बात करता हूं तो वो है आपका नॉट हैविंग एनी टारगेट स्ट्रक्चर। जब हम जॉब करते हैं तो कंपनी का टारगेट हमारे पास होता है, एक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर ही होता है जो हमें काम पे लगा के रखता है, काम करने के लिए हमें बाध्य करता है कि आपको किसी भी कंडीशन पे उस टारगेट को अचीव करना है। लेकिन जब हम अपने काम में आते हैं तो हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता। थोड़ा सा जुनून होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, मेरे में भी था। मैंने 12-12, 14-14 घंटे काम किया, अब मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा सेफ जोन में चला गया हूं, कंफर्ट जोन में चला गया हूं। और ऐसा सबके साथ होता है। जब आप स्टार्टिंग में करते हो आपको डर होता है कि दोबारा आपको जॉब करनी पड़ेगी, आप फेल हो जाओगे, तो बहुत मेहनत करते हो। लेकिन जब आप थोड़ा सा अचीव कर लेते हो आपकी रोजी रोटी चलने लगती है, फिर आपको लगता है यार अब तो चल जो चल रहा है चलने दो। वहां पे टारगेट स्ट्रक्चर काम करता है। अगर आपका टारगेट होगा तो आप हर महीने उसके पीछे भागोगे। ये आपके पास कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल चीज हो जाती है। जब आप एक टारगेट रख के चलोगे कि अगर आप 5 लाख की सेल कर रहे हो तो आप 7 लाख की सेल करो, तो फिर आप में एक नई एनर्जी आती है, आप उस लक्ष्य को, उस टारगेट को माइंड में लेके चलते हो और
जरूर मेहनत करते हो तो वहां पे आपके कामयाबी के चांसेस, आपके ग्रोथ के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स में एक होता है जो हमें कंफर्ट जोन में डालता है, जब हमारे पास टारगेट स्ट्रक्चर नहीं होता तो हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हम अपने टाइम शेड्यूल से काम कर रहे हैं, जब मन कर रहा है वो मार्केट में जा रहे हैं, जब मन कर रहा है नहीं जा रहे हैं, फिर तो डाउनग्रेड ही आना शुरू हो जाता है। मेरा टारगेट स्ट्रक्चर क्या है? दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। फोर्थ नंबर पे बात करता हूं वो है अनक्वालिफाइड स्टाफ। बूम, स्टाफ एक ऐसी चीज है जहां पे हमें लगता है कि यार ये खर्चा है आपके ऊपर, लेकिन अगर आपके पास क्वालिफाइड स्टाफ है, एक मेहनती स्टाफ है, एक अच्छा स्टाफ है तो वो आपका एसेट है। लेकिन अगर आपके पास सस्ता स्टाफ भी है, चाहे आपका क्वालिफाइड स्टाफ सस्ता है महंगा है, तो वो आपके लिए एक एसेट का काम करता है। लेकिन अगर आपने केवल इसीलिए स्टाफ को रखा है कि वो सस्ता है तो वो आपके लिए एक्सपेंस भी हो सकता है। मेरा जो पहला स्टाफ था वो बहुत महंगा था, उतना मैं मंथली कमा भी नहीं रहा था जितने पे मैंने उसको ज्वाइन कराया था। और मेरी सबसे बढ़िया डिसीजन में से एक था वो, आपका भी हो सकता है। अगर आप भी क्वालिफाइड स्टाफ रखो, आपको ये सोचना जरूरी है कि आपको इस वक्त किस पर्सन की जरूरत है। वहां पे भी सैलरी मैटर नहीं करती, वहां पे मैटर करता है कि वो आपको किस मुकाम तक लेके जाएगा। अगर आपको केवल पैकिंग के लिए स्टाफ चाहिए, केवल आपको डिलीवरी के लिए स्टाफ चाहिए, तो हो सकता है कि वो अनक्वालिफाइड भी चल जाए। लेकिन अगर आपको सेल्स के लिए चाहिए या आपको अकाउंट के लिए चाहिए, तो वहां पे क्वालिफाइड स्टाफ बड़ा ही मायने रखता है। तो यहां पे पैसा बचाया हुआ आपको बड़ा भारी पड़ सकता है। मेरे स्टाफ की सैलरी कितनी है मेरी फैमिली को भी नहीं पता। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। फिफ्थ नंबर पे बात करता हूं वो है लैक ऑफ विजन एंड प्लानिंग। एक लेवल अचीव करने के बाद या बहुत सारे स्टार्टअप भी जब स्टार्ट कर लेते हैं तो वो केवल इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उनमें दिव्य दृष्टि नहीं होती। ये सर्किट तेरे को दिखता है ना बापू? दिव्य दृष्टि से मेरा मतलब है, मतलब एक तरह से विजन। आपने कभी भी किसी भी बड़े एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को कभी भी देखा हो, बिजनेसमैन को कभी भी देखा हो, तो आप हमेशा एक वर्ड सुनोगे, वो होता है विजन। विजन मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज होती है जो हम अपने मन में सोचते हैं कि हमें इस टाइम पीरियड में इस चीज को अचीव करना है, अपने बिजनेस को, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी इनकम को, रेवेन्यू को एक लेवल तक लेके जाना है। और वो हमारे माइंड में हमारे अंदर होती है और फिर हम उसको डिफाइन करते हैं लोगों के सामने कि मैं अपने बिजनेस को यहां तक लेके जाना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, तो वो आपकी विजन बन जाती है। और वो विजन फिर एक प्लानिंग का रूप लेके कि हमें कैसे कैसे वहां तक पहुंचना है, उस विजन को अचीव करना है, तो वो एक प्लानिंग फिर हमें बनानी पड़ती है, वो प्लानिंग का रूप लेती है। तो अगर आपके पास प्लानिंग और विजन नहीं है तो आप सिर्फ ऐसे ही चलोगे। लेकिन अगर आपको दौड़ना है और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करना है तो आप में थोड़ा सा फ्यूचर को देखने की शक्ति होनी चाहिए, उसको इमेजिनेशन करने की पावर होनी चाहिए। और वो इमेजिनेशन ही हमारी विजन होती है कि मैं अपने आप को आज के 2 साल बाद कहां देखना चाहता हूं, वो मेरी विजन है। और मैं उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करूंगा, क्या क्या करने जा रहा हूं, वो मेरी प्लानिंग है। मेरी विजन क्या है If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions and you have to be run by ideas. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे सब्सक्राइबर और व्यू बहुत कम होते जा रहे हैं,
उम्मीद करता हूँ आप मेरी कुछ मदद कर सके इस चीज में। इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने क्लिक्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि मैं डीमोटिवेटेड हो चुका हूं। सुनाएगा क्या? बस यार रहने दो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।